वेलकम टू माय चैनल अड्डा आईक्यू। ऋषभ रोशन के इस पार्ट में हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे इसके पहले हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो के। तो इसमें जैसे कि बहुत सारे वेरिएशन हैं, लगभग जितने भी वेरिएशन ऋषभ रोशन के हैं, तो उस सारे वेरिएशन को हम 4-5 पार्ट्स में ब्रेक किए हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 में देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 2:3। If each number is increased by 4, the ratio between them becomes 5:7. ठीक है, तो दो नंबर का रेशियो कितना गिवन है, 2:3। यदि दोनों नंबर को 4 से बढ़ा दें, ठीक है, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 4, इसको भी 4 से बढ़ाया जा रहा है और इसको भी 4 से बढ़ाया जा रहा है, तो रेशियो कितना हो जा रहा है, 5:7। ठीक है, तो रेशियो 5:7 हो रहा है। तो 4 से तो बढ़ाया गया, लेकिन क्या इसमें 4 का गैप है, इसमें 3 का है और इसमें 4 का है। ठीक है, तो रियल में 4 का इंक्रीमेंट है, लेकिन रेशियो में यहाँ पे 3 का इंक्रीमेंट दिख रहा है और यहाँ पे 4 का इंक्रीमेंट दिख रहा है। ठीक है, तो इसको इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, या ऐसे किसी भी प्रॉब्लम को जिसमें 2 रेशियो गिवेन है और उसमें कुछ गैपिंग होता है, ठीक है, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो जरा इसकी ट्रिक्स की बात करें अगर, तो देखो क्या ट्रिक होगी इसकी। तो 2 और 3 में इसमें डिफरेंस देखिए, 2 और 3 में क्या डिफरेंस है, 1। ऐसे 5 और 7 में क्या डिफरेंस है, 2। ठीक है, तो 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है, तो इस रेशियो में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है, तो जो ये रेशियो 5 और 7 का है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4:6, और ये 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो वही रहेगा 5:7। तो इससे एडवांटेज क्या होगा, इससे एडवांटेज ये होगा कि अब डिफरेंस आपको दोनों नंबरों में सेम मिलेगा। जैसे 4 से देखो 5 हो रहा है, मतलब +1 का इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, 6 से 7 हो रहा है, तो इसमें भी आपको +1 का इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, तो आपको डिफरेंस सेम मिलेगा 1-1 का। ठीक है, लेकिन रियल में इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 4 से। ठीक है, तो अब इसको कंपेयर कर लीजिए, रेशियो का जो इंक्रीमेंट है और ये जो रियल इंक्रीमेंट है 4, उसको कंपेयर कर लीजिए, तो 1 किसके इक्विवेलेंट होना है, 4 के। ठीक है, 1:4 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। ठीक है, नंबर हमने क्या माना था, नंबर का रेशियो कितना था, 2:3। अब ये रेशियो कितना, हमने इसको मॉडिफाई कर लिया है, 4:6, क्योंकि हमने जो ये यहाँ पे इक्वलिटी जो निकाली है, ये जो रिलेशन हमने स्टेब्लिश किया है, तो ये इसी रेशियो मॉडिफाइड रेशियो से स्टेब्लिश किया है। ठीक है, जबकि दोनों रेशियो सेम ही होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें इसी सॉल्व करना होगा, डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। तो इसमें 4 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का है। ठीक है, तो 1 4 के बराबर होगा, तो 2 किसके बराबर होगा, 8 के। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन ए ऑप्शन। तो ये ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, या ऐसे कभी क्वेश्चन आता है जिसमें 2 रेशियो गिवेन है और उसमें डिफरेंस कुछ दिया है, तो इस मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक मेथड से सॉल्व करना है, तो अगर एक्स मान को सॉल्व करना है, तो जैसे कि नंबर का रेशियो गिवन है 2:3, तो नंबर को हम क्या ले लें, 1x ले लें, और दूसरा नंबर क्या होगा, 3x। ठीक है, अब दोनों में इंक्रीमेंट 4 का हो रहा है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 2x+4, और इसमें 4 का इंक्रीमेंट होगा, तो ये 3x+4, इसको डिवाइड कर देंगे अब। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, 5:7। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2x+4/3x+4 = 5/7। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, x की वैल्यू पुट कर देंगे और नंबर आ जाएगा। ठीक है, नंबर आ जाएगा तो डिफरेंस भी आ जाएगा, बेसिकली डिफरेंस भी यहाँ पे कितना है, x है। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक मेथड है। ठीक है, तो ट्रिक पे ध्यान दीजिए, कंपटीशन में टाइम कम रहता है। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, तो व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो 17:24 सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू 1:2। तो अभी इसमें पता नहीं है कि इसमें हम लोग ऐड क्या करें या सब्ट्रैक्ट क्या करें। ठीक है, तो ऐड भी हो सकता है यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो जरा देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसमें जो रेशियो गिवेन है वो कितना गिवेन है, 17:24। ठीक है,
और इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रेशियो हो रहा है 1:2 हो रहा है। तो फिर से देखिए इसमें डिफरेंस कितना है, 17 और 24 में डिफरेंस कितना है 7 का, 1 और 2 में डिफरेंस कितना है 1 का। तो 1 से मल्टीप्लाई इस रेशियो में कर देंगे और इसमें जो डिफरेंस 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई इस रेशियो में करेंगे। इससे जो रेशियो हमारा आएगा 17:24 ये एज इट इज रहेगा, और ये रेशियो क्या हो जाएगा अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7:14। ठीक है, तो अब इसका एडवांटेज क्या है, अब हमें यहाँ पे ये पता लग जाएगा कि रियल में यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है कि इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, और इक्वल इक्वल ही आपको यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा। तो 17 से देखिए नंबर 7 हो रहा है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 10 का डिक्रीमेंट हो रहा है। ऐसे 24 से 14 हो रहा है तो यहाँ भी आपको 10 का डिक्रीमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो 10 10 दोनों इक्वल यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखो अभी तो 17 और 1 का है तो -15 का है, और यहाँ पे 24 2 का है तो आपको -22 का है। तो ये डिफरेंस अभी आपको इक्वल नहीं मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अब इस ऑपरेशन के बाद अब डिफरेंस हमें इक्वल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है -10 का है। इसका मतलब अब -10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रेशियो क्या हो रहा है 7:14 हो रहा है। ठीक है, तो मजे की बात ये है कि 7:14 भी क्या है, इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो 1:2 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि -10 ही रियल वैल्यू है। तो यहाँ पे जो आपका रेशियो की वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, रियल वैल्यू 10 के ही बराबर होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, 10 इज सब्ट्रैक्टेड। तो 10 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं, अगर ऑप्शन से करना चाहो तो देखो ऑप्शन से भी हो सकता है। 17:24 अगर दिया है तो पहला ऑप्शन देखिए 5 इज सब्ट्रैक्टेड, तो 5 घटा दोगे 17 में से कितना हो जाएगा ये 12, और 24 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 19। अब ये चेक करोगे तो ये 1:2 रेशियो नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे 10 इज एडेड, 10 जोड़ दो तो 17 में 10 जोड़ोगे तो 27, ऐसे 14 में 24 में अगर 10 ऐड करोगे तो 34। अब अभी भी ये देखो 1:2 का रेशियो नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे सी ऑप्शन चेक कर लो। ठीक है, सी ऑप्शन से भी 1:2 नहीं मिलेगा, तो डी ऑप्शन से आपको मिल जाएगा अगर इसमें 10 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ टर्म्स ऑफ द रेशियो 15:19 इन ऑर्डर टू मेक इट 3:4। तो 15:19 यहाँ पे रेशियो गिवेन है, तो इसमें से क्या कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें जो चार ऑप्शन है, जिससे कि रेशियो क्या हो जाए 3:4। ठीक है, तो ऑप्शन से बेटर होगा कि आप इसको ऑप्शन से सॉल्व कर लो। तो पहला ऑप्शन जैसे 9 है तो 15 में से अगर 9 सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें 9 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 6। ऐसे 16 में 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, चेक करो क्या है 3:4 हो रहा है, तो ये 2 से कैंसिल 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 3:5 का रेशियो आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 6 से देखो 6, तो 15 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा 9, और 19 में से 9 घटाओगे तो ये कितना आएगा, सॉरी 6 घटाओगे तो कितना आएगा ये 13, तो 9 13 आ रहा है। यहाँ से भी आप 3:4 नहीं मिलेगा। ऐसे 5 चेक कर लो, 15 में 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 10 मिलेगा, 19 में 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 14 मिलेगा, तो ये 2 से कटेगा और ये भी 2 7 टाइम्स, 5:7 आ रहा है। ठीक है, 3:4 यहाँ से भी नहीं आ रहा है, तो डी ऑप्शन देखिए 3 सब्ट्रैक्ट करो, 15 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 मिलेगा, और 19 में 3 करोगे तो 16 मिलेगा, और ये 4 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑप्शन से यहाँ पे कर सकते हैं इजिली। ठीक है, तो अगर आपको सॉल्व करना है तो इसको 15x मान लीजिए और इसको 19x मान लीजिए, और इसमें से मान लो हम लोगों ने पी सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे भी पी सब्ट्रैक्ट किया, तो ये कितना रेशियो हो गया 3:4 का। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 2:3:5, इफ 40 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लासेस
द रेशियो चेंजेस टू 4:5:7, ठीक है। तो इसमें भी देखो दो रेशियो गिवन है, 2:3:5 एक रेशियो गिवन है, और दूसरा रेशियो कितना गिवन है, 4:5:7। ओके, अब 40 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज, तो 40 स्टूडेंट्स हम इंक्रीज कर रहे हैं जिससे रेशियो ये हो जा रहा है। अभी अगर इसमें ध्यान दो तो इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 2 का, और यहाँ भी इंक्रीमेंट 2 का हो रहा है, और यहाँ भी इंक्रीमेंट 2 का हो रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इक्वल इंक्रीमेंट ऑलरेडी है, तो लेकिन ये 2 का इंक्रीमेंट रेशियो में है, रियल में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है क्वेश्चन में, 40 का, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। अब चेक करो निकालना क्या है, ओरिजिनली द टोटल, ठीक है, ये टोटल लिखा है, ओरिजिनली द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच, तो ये पहले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो पहले रेशियो देखो ये था 2:3:5, तो पहले स्टूडेंट्स टोटल कितने थे, तो इनको ऐड करेंगे, 2 + 3 = 5, 5 + 5 = 10, 1 की वैल्यू 20 आ गई, तो 10 की वैल्यू निकालना है, 10 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 200, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की वैल्यू 200, तो यहाँ पे 200 देखिए ऑप्शन सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5, ए बॉक्स कंटेन्स 1 rupees 50 paise एंड 25 paise कॉइन्स इन द रेशियो 8:5:3। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बॉक्स इज 112.50 rupees, देन द नंबर ऑफ 50 paise कॉइन्स इज, ठीक है, तो इसमें देखो एक बॉक्स है जिसमें 1 rupee का कॉइन है और 50 paise का भी है और 25 paise का भी कॉइन है, तीन तरह के कॉइन है इसमें, ठीक है, और इस रेशियो में है जो कॉइन की संख्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है 8:5:3, इसका मतलब क्या हुआ, 1 rupee के अगर 8 कॉइन है तो 50 paise कितने कॉइन है, 5, और 25 paise कितने कॉइन होंगे, 3, ठीक है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्लू देखो ये होता है, ये जो वैल्यू गिवन है ये क्या है, ये टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितना है यहाँ पे, तो यहाँ से आपको क्लू मिलेगा, टोटल अमाउंट कितना है 112.50, ठीक है, ये टोटल अमाउंट है, और ये जो रेशियो है नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है, तो यहाँ से ध्यान दो, ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है और ये टोटल अमाउंट का रेशियो है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, अगर रेशियो और टोटल अमाउंट को यूज करना है, इनको कंपेयर करना है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स से हमें इसको अमाउंट के रेशियो में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, तो रेशियो इसमें कन्वर्ट करना होगा अमाउंट्स के रेशियो में, ठीक है, तो हमें इससे नंबर ऑफ कॉइन्स से रेशियो ऑफ मनी ऑफ कॉइन्स, ठीक है, रेशियो ऑफ या अमाउंट ऑफ कॉइन्स, रेशियो ऑफ मनी, तो मनी के रेशियो में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अब चेक करिए, देखिए 8 rupees, अगर आपके पास 1 rupee का 8 coin है तो कितना रुपया होगा, 8 ही रुपया बनेगा उससे, ठीक है, तो अगर 50 paise के आपके पास 5 coin है तो इससे कितना रुपया बनेगा, 5/2 rupees बनेगा। ऐसे अगर आपके पास 25 paise के 3 coin है तो इससे कितना रुपया बनेगा, 3/4, ठीक है, तो ये रुपया वैल्यूज में आ गया, ठीक है, तो वैल्यूज या मनी में रेशियो आ गया 8:5:2:3/4। अब ये भी टोटल अमाउंट है, तो अब यहाँ से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो कंपेयर करने से पहले इसको अभी सिंप्लीफाइड करना होगा, ये रेशियो अभी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है 5/2, 3/4, ठीक है, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 32, और 4 से 5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ऐसे 3/4 को 4 से मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारा सिंप्लीफाइड रेशियो होगा, जो वैल्यूज का रेशियो होगा, जो मनी का रेशियो होगा, ठीक है, इसका मतलब जो 1 rupee कॉइन है उसकी वैल्यू अगर 32 rupees है तो जो 50 paise कॉइन है उसकी वैल्यू कितना होगा, 10 rupees, और अगर ऐसा है तो 25 paise कॉइन की वैल्यू क्या होगी, 3 rupees, ठीक है, तो यहाँ से देखिए टोटल वैल्यू कितना दिया है, 112 rupees 50 paise, तो यहाँ से अगर हम लोग ऐड करें, यहाँ से टोटल वैल्यू कितना आएगा, तो 32, 10, 42 और 3, 45,
तो यहाँ से कितना आएगा, 45 रुपया आ रहा है, लेकिन ये रियल में कितना होना चाहिए, 112 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फिर से वैसे ही एक की वैल्यू निकालेंगे, अगर 45 इसके बराबर है तो एक किसके बराबर होगा, तो एक अगर निकालेंगे तो ये 2.5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 112 सब लोग 5 0 बटे 45, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 2.5। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 2.5। अब क्वेश्चन में देखिए सॉल्व क्या करना है, देन द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इच। ठीक है, तो 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, तो जरा ध्यान दो कि ये जो वन, ये जो कंपेरिजन आया है ये इस रेशियो से आया है, तो 50 पैसे, तो 50 पैसे का जो पोर्शन होगा ये होगा, 50 पैसे की वैल्यू कितना है, 10 रुपया। तो एक अगर 2.5 के बराबर है तो 10 किसके बराबर होगा, तो 10 किसके बराबर होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 के। ठीक है, अब ये 25 क्या आएगा, वैल्यू, ये ध्यान दो, तो ये वैल्यू है, वैल्यू का रेशियो है, तो इसका मतलब 50 पैसे की जो वैल्यू होगी वो 25 रुपया है। अब सोचो 25 रुपया है अगर 50 पैसे की वैल्यू, तो नंबर ऑफ कॉइन कितना हो जाएगा, इसका जस्ट डबल 50 कॉइन होगा 50 पैसे का, तभी वैल्यू कितना मिलेगा, 25 रुपया। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये जो रेशियो कन्वर्ट करें हैं ये वैल्यू में कन्वर्ट कर चुके हैं। ओके, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो इसमें जो हमने क्वेश्चन इतने डिस्कस किए हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले डिस्कस नहीं हुए हैं फर्स्ट और सेकंड टाइप में। ठीक है, और ये इसमें से लगभग सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, और जो कि रेशियो प्रोपोर्शन के बहुत बेसिक टाइप में भी आता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ और टाइप के क्वेश्चन होंगे रेशियो प्रोपोर्शन के। ओके गाइस, थैंक यू।